डियर स्टूडेंट, आज हम एस्टेरियास यानी कि स्टार फिश में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टार फिश यानी कि एस्टेरियास, इसमें जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं ये सभी एक छोटे से भाग में, यानी कि इसमें एक सेंट्रल डिस्क पाई जाती है, मध्य वाला भाग। इसका यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो हम पाते हैं कि इसमें एक सेंट्रल डिस्क पाई जाती है और उससे पांच भुजाएं, पांच या इसके गुणज में अलग अलग भुजाएं निकली हुई होती है, आर्म्स निकली हुई होती है। तो जो सेंट्रल डिस्क होती है उसमें इसके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। मोस्टली जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि इंटेस्टाइन और उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं, ये सेंट्रल डिस्क के अंदर ही सीमित होते हैं। और जो सेंट्रल डिस्क होती है वो माउथ और एनस के बीच में पाई जाती है। एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्टार फिश इंक्लूड्स डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड इन एडिशन टू डाइजेस्टिव और द एलिमेंटल या एलिमेंट्री कैनाल। अब हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। तो जनरली जो एलिमेंट्री कैनाल है ये नलिकाकार यानी कि ट्यूबुल होती है और एकदम सीधी होती है। स्टार फिश में दो सरफेस पाई जाती है, ऊपर वाला जो भाग होता है उसे एबोरल सरफेस और नीचे वाला भाग ओरल सरफेस कहलाता है। इन दोनों के बीच में ही सेंट्रल डिस्क स्थित होती है और इसकी आहार नाल को हम कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, पाइलोरिक सीका, इंटेस्टाइन एंड एनस। तो एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो माउथ यानी मुख है, ये आहार नाल के एलिमेंट्री कैनाल के आगे वाले सिरे पर ओरल सरफेस पर एक पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन के सेंटर में स्थित होता है और इसमें जो मुख गुहिका होती है इसके चारों तरफ माउथ पैपिली या ओरल स्पाइन्स के द्वारा ये माउथ घिरा हुआ रहता है तथा इसके बाद ये माउथ ईसोफेगस में खुलता है, यानी कि ग्रसिका में ओपन होता है। माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट एंड वाइड ईसोफेगस, इट एक्सटेंड वर्टिकली टू ओपन इनटू द स्टोमक, यानी कि एक ये वर्टिकल ट्यूब होती है जो कि आमाशय में खुलती है। अब इसका जो स्टोमक होता है ये सेंट्रल डिस्क के अधिकांश भाग में फैला हुआ रहता है और ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो आगे वाला भाग होता है उसे हम कार्डियक स्टोमक और पीछे वाले भाग को पाइलोरिक स्टोमक कहते हैं। और ये जो दोनों भाग होते हैं इन दोनों के बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन यानी एक संकीर्णन पाया जाता है, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे से पृथक होते हैं। कार्डियक स्टोमक जो है ये बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये पांच पालियों में फैला हुआ रहता है। आमाशय का ये वाला भाग मस्कुलर होता है और इसकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है। एनिमल के न्यूट्रिशन ग्रहण करते समय आमाशय का ये वाला भाग मुख से बाहर निकाला जा सकता है, इसको बॉडी से बाहर भी निकाल सकते हैं। Everted out from the mouth during the feeding and it come back to its position with the help of retractor muscle, यानी कि इसे विशेष प्रकार की जो retractor muscles होती है इसके द्वारा इसे वापस अंदर भी खींच लिया जाता है। ये संयोजी और बहुत सारी जो मसल फाइबर होती है उनसे मिलकर बना होता है और
गैस्ट्रिक लिगामेंट्स या फिर मिजेंट्रीज भी कहते हैं इन्हें, जिनसे कि इन जिन तंतुओं से मिलकर ये पेशियां बनी होती है। ये भाग म्यूकस का सिक्रेशन भी करता है। दे आर होमोलोगस टू मिसेंड्रीज इन वर्टिब्रे वर्टिब्रेट्स एंड कार्डियक स्टोमिक स्टोमक इज ग्रेंडुलर एंड सीक्रेट म्यूकस। इसकी जो शाखाएं होती है वो जंतु की पांचों भुजाओं की सीध में होती है और प्रत्येक शाखा में एक पाइलोरिक सीका या फिर पाइलोरिक डक्ट, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, वो आकर यहाँ पे इसमें खुलती है। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, जिसको कि हमने पाइलोरिक सीका या पाइलोरिक स्टोमक कहा है, ये कार्डियक स्टोमक के पीछे वाला भाग होता है और एबोरल सरफेस की तरफ ये सिचुएटेड होता है और इट रिसीव्स पाइलोरिक डक्ट फ्रॉम द ईच पाइलोरिक सीका ऑफ ईच आर्म एट 5 एंगल्स। यानी कि इससे पाइलोरिक डक्ट जो होती है वो आकर यहाँ पे मिलती है। इसके बाद कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसके अंदर पाई जाती है, जिन्हें कि हम पाइलोरिक सीका कहते हैं। एस्टेरियस की प्रत्येक जो भुजा है उसमें एक पाइलोरिक सीका यानी कि एक तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, वो पाई जाती है। ये ग्लैंड भुजा के सिरे तक फैली रहती है और ये मिजेंट्रीज के द्वारा ये ग्रंथि भुजा के सिरे से जुड़ी हुई रहती है। इसमें हरे या भूरे रंग के बहुत सारे कोस्ट या फिर बहुत सारे लोब्स पाई जाती है। उसके बाद इसमें पाइलोरिक डक्ट आकर खुलती है। ये जो डक्ट होती है ये पाइलोरिक स्टोमक में खुल जाती है और इस प्रकार से ये जो ग्लैंड होती है इसका जो स्तर होता है उसमें चार प्रकार की स्तंभी कोशिकाएं पाई जाती है। वो हो सकती है एक तो सीक्रेटरी या ग्रेन्युलर सेल्स, जो कि प्रोटीन अपघटनी जो एंजाइम होते हैं यानी कि एमाइलोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं उनका सिक्रेशन करती है। म्यूकस सेल्स होती है जो कि म्यूकस को सिक्रेट करती है। इसी तरह से स्टोरेज सेल्स होती है, ये कुछ स्टोरेज भोजन जैसे कि लिपिड ग्लाइकोजन या कुछ जो कॉम्प्लेक्स प्रकार के प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड है उस रूप में भोजन को ये स्टोर भी करती है। और एक इसके अंदर होती है करंट प्रोड्यूसिंग सेल्स, ये भी इन सेल्स के अंदर कुछ जो कोशिकाएं पाई जाती हैं ये कोशिकाएं फ्लैजिलेटेड होती है और ये जो एंजाइम्स होते हैं उसको और भोजन को आहार नाल में आगे बढ़ने में मदद करती है। द करंट प्रोड्यूसिंग सेल्स मेंटेन द स्टेडी फ्लो ऑफ एंजाइम्स टूवर्ड्स द स्टोमक अलोंग द एबोरल साइड एंड ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू पाइलोरिक सीका अलोंग द ओरल साइड। इस प्रकार से स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन वाला पार्ट आता है। इंटेस्टाइन एक नली के रूप में होती है और ये एबोरल सरफेस पे पाई जाती है तथा पीछे की ओर ये एनस में खुलती है। इससे दो या तीन छोटे छोटे कुछ उपांग निकलते हैं, इनको इंटेस्टिनल या रेक्टल सीका कहते हैं। ये इंटर रेडियल स्थानों पे पाए जाते हैं और ये एक प्रकार का सिक्रेशन होता है, उसको ये सिक्रेट करते हैं। और इस प्रकार से जो इंटेस्टाइन है उसका जो पीछे वाला भाग होता है ये रेक्टम कहलाता है और लास्ट में जाके एनस, जो कि गोलाकार छिद्र होता है, ये सेंट्रल डिस्क की एबोरल सरफेस पर सेंटर भाग से थोड़ा सा हटकर पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये भोजन ग्रहण करता है। सी स्टार इज अ
वोरेशियस कार्निवोर एंड इट प्रे अपॉन सेडेंटरी मैराइन एनिमल्स लाइक क्लैम्स, ऑयस्टर्स, मसल्स, स्नेल्स, क्रैब्स, वॉर्म्स, यानी कि एक तरह का ये इसमें प्रिडेटरी न्यूट्रिशन पाया जाता है। और ये ज़्यादातर जो सेडेंटरी जीव होते हैं जैसे कि सीपी, ऑयस्टर, क्लैम है, स्नेल्स है, उन जंतुओं का ये शिकार करता है। और कभी कभी ये कुछ जो छोटी फिशेस होती है या फिर जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको भी ये ग्रहण कर लेता है। इस जंतु की जो न्यूट्रिशन की मेथड है या पोषण विधि है वो विशेष प्रकार की होती है। ये भोजन का अपनी भुजाओं और जो 2 फीट होती है उससे पकड़ के शिकार करता है। और ये क्लैम और बाइवॉल्व जैसी सीपियों को पकड़ कर एक विशेष विधि से उनके कवच को पहले हटा देता है, फिर बाद में उसको ग्रहण करता है। ये कवच से लगी हुई जो पेशियां होती हैं उन्हें ये पहले लूज करके उनके जो वॉल्व होते हैं, कपाट होते हैं, उनको खोल खोल देता है। फिर अपनी इसका जो कार्डियक स्टोमक है उसको ये अपने मुख से बाहर निकाल लेता है। और इस प्रकार से ये जैसे सीपी आदि उसकी जो मेंटल कैविटी वगैरह होती है उसके विसरल ऑर्गन्स के भाग को ये निगल लेता है। अब हम देखते हैं इसमें डाइजेशन। इसमें स्टोमक के कार्डियक और पाइलोरिक भाग से जो डक्ट्स आके मिलती है उससे बहुत सारे डाइजेस्टिव सिक्रेशन छोड़े जाते हैं। और इन डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव सिक्रेशन में उपस्थित जो प्रोटीज, लाइपेज या एमाइलेज जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन, वसा और जो कार्बोहाइड्रेट होती है उनका ये पाचन करते हैं। और इस प्रकार से इसमें ये जो क्रिया होती है ये बॉडी के बाहर होती है, यानी कि देह से बाहर होती है, क्योंकि शिकार करते समय एनिमल जो होता है वो अपने आहार नाल के कार्डियक स्टोमक वाले भाग को बॉडी से बाहर निकाल लेता है। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो पाइलोरिक स्टोमक में पेरिस्टाल्सिस के द्वारा प्रवेश कर लिया जाता है। और जो बिना पचा हुआ भोजन यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है उन पदार्थों का पाचन भी स्टोमक या फिर जो पाइलोरिक की जो डक्ट्स वगैरह है उसमें किया जाता है। इसमें शायद इंट्रासेलुलर प्रकार का डाइजेशन भी पाया जाता है, लेकिन कुछ जंतुओं को ये ऐसे ही निगल लेता है और उनका पाचन आमाशय में ही होता है। पचे हुए भोजन का जो एब्जॉर्प्शन है वो पाइलोरिक स्टोमक में होता है। और जो अवशोषित पदार्थ है वो सिलोमिक फ्लूड में अब आ जाते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन की प्रोसेस जो है वो पूरी होती है। थैंक यू।